दोस्तों गौतम अडानी कैसे पहुंचे फर्श से अर्श तक, मतलब के गौतम अडानी की सफलता की कहानी पार्ट टू। जिसने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा वो पार्ट वन देख ले, फिर ही पार्ट टू देखने का फायदा है। अगर आप एक बार क्लिक करके वीडियो पर आ जाते हो तो मेरी वीडियो 4 से 5 मिनट तक की होती है। बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं वादा करता हूँ कि आप इससे कुछ जरूर सीख कर जाने वाले हैं। चलिए गौतम अडानी का पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक एयरपोर्ट प्राइवेट भी है। वैसे जहां गौर करने वाली बात यह है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में एक है। उनकी अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अडानी अपने आप को ग्रो करते चले गए, वो लोगों की रसोइयों तक में भी पहुंच गए फॉर्च्यून के द्वारा। वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइन ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। ये बात है 1999 में अडानी ने विलमार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने में तेल के बिजनेस में कदम रखा। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों हिस्से में जुड़े हुए हैं, जिनके रख रखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े सेलोस बनवाए। सेलोस वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। सेलोस की कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने नीचे रेल लाइन भी बनवाई ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। अब गौतम अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डेमोस्ट्रिक इलेक्ट्रोसिटी का जंक्शन शुरू किया, बड़े बड़े राज्यों में बिजली सप्लाई करनी शुरू की। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज़्यादा कोयला चाहिए था, इसलिए दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया का एक कोयल माइन ही खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ रुपए में कोयला खान को खरीदा। इस खदान में 1.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं जो हर साल 60 मिलियन टन हर साल कोयला पैदा कर सकती है। इसी तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयले के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए $1.5 अरब का निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया एनवायरमेंट अथॉरिटी ने बताया कि अडानी ग्रुप 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोयल हैंडलिंग पोर्ट के निर्माण करेगा और साउथ सुमात्रा आयरलैंड को खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर रेल लाइन बिछाएगा। इसी तरह अडानी अपना कारोबार फैलाते चले गए, बैंक अकाउंट में पैसा आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में $76 करोड़ का था, वो 2014 तक आते आते $10 अरब का हो चुका था। वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल को बनाना शुरू किया। वही मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी सियाने ने जे तो कह दिया पैसा कौन सा साथ जाएगा, जितना खाओ उतना ही कमाओ, लेकिन वो सियाना जे कहना भूल गया। इस धरती में जीते जी जे पैसा बहुत काम आएगा, इसकी मिसाइल गौतम अडानी है। अगर इस सक्सेसफुल स्टोरी से आपको थोड़ी सी भी सीख मिली है तो वो सीख आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।